आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम नवरात्रि व्रत के सातवें दिन माँ भगवती के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से देवी की कृपा से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्ति पाता है। वह निर्भय होकर अपने प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, काल ही शाश्वत एवं मुक्ति का प्रतीक है। काल की सत्यता से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। महत्वाकांक्षाओं की मुट्ठी बांधकर जीव संसार में आता है और फिर हाथ पसार कर चला जाता है। जो साक्षात स्वयं में काल हो वह काल रात्रि है। जो मृत्यु और प्रलय के देव शिव हैं उनकी शक्ति काली है। भगवान शिव द्वारा माँ पार्वती को आमोद प्रमोद में काली कह देने से शक्ति स्वरूपा माँ भगवती काली के नाम से प्रसिद्ध हुई और अपने नाम को सार्थक करते हुए माँ कालरात्रि युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का काल बनकर प्रकट हुई। मनुष्य जिन चीजों से दूर भागता है देवी काली को वह सब वस्तुएं प्रिय हैं। बंधुओं, नवरात्रि के सातवें दिन माँ भगवती के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल और परिस्थितियों को यह पावन और मंगल करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा साधक को हर प्रकार के भय से मुक्त कर शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली होती है। माँ कालरात्रि जिस साधक पर प्रसन्न हो जाए उसके लिए कहीं कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होता। देवी भागवत की कथा के अनुसार धरा को राक्षसों से मुक्त करवाने के लिए माँ दुर्गा ने युद्ध क्षेत्र में अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। माँ का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि के नाम से संबोधित किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में जब भगवती एक के बाद एक राक्षसों का वध कर देवताओं को विजय की ओर ले जा रही थी और युद्ध क्षेत्र देवताओं द्वारा भगवती के जयकारों से गूंज रहा था, उसी समय महान बलि एवं तेजस्वी दैत्य रक्त बीज देवी के सामने आ पहुंचा। रक्त बीज एक ऐसा असुर था कि जब उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके समान ही शक्तिशाली और रक्त बीज पैदा हो जाते थे, जिनके रूप और पराक्रम में एक जैसी समानता रहती थी। तब माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और कहा, हे चामुंडे, अब रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर न गिरने पाए। तब युद्ध के दौरान रक्त बीज का जितना रक्त बहा माँ कालरात्रि उसका पान करती रही और अंत असुर रक्त बीज माँ के हाथों मारा गया। बंधुओं, माँ कालरात्रि का स्वरूप रात के अंधेरे की तरह काला है, बाल बिखरे हुए हैं। माँ त्रिनेत्रधारी है, इनकी चार भुजाएं हैं। माँ कालरात्रि ने एक भुजा में कटार और दूसरी भुजा में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है तथा अन्य दो भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। गले में विद्युत की माला है और श्वासों से अग्नि निकलती है। माँ की सवारी गर्दभ है। माँ का ये स्वरूप
वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें माँ शुंभकारी के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, वायु, शत्रु, रात्रि आदि का भय कभी नहीं सताता। आसुरिक शक्तियों को वश में करने के लिए तांत्रिक लोग माँ के इस रूप की विशेष रूप से पूजा करते हैं, इसलिए माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। तिल के तेल की जोत से माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। सप्तम नवरात्रे माँ काली के काली चालीसा के पाठ को करना विशेष फल देता है। इस प्रकार बंधुओं, नवरात्रि के सातवें दिन माँ भगवती के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि, जो भय से मुक्त करने वाली, रिद्धि सिद्धियों को देने वाली, कष्ट कलेश को काटने वाली, आधी व्याधियों से मुक्त करने वाली हैं, उनकी पूजा कर कथा का श्रवण करें, माँ को गुड़ का भोग अर्पित करें, वे माँ का आशीर्वाद पाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।